हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश रुलानी एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हम जो उद्योग प्रसार अधिकारी हैं, उद्योग निरीक्षक के पदों पर भर्ती निकली थी उसका सिलेबस जारी कर दिया गया है। इसमें आपको पहले पेपर की स्कीम बता दी थी, उसमें पेपर कुल 100 अंकों का होगा और टाइम होगा आपके पास 2 घंटे। तो अब इनका सिलेबस जारी कर दिया गया है। तो भाग ए में क्या आएगा, राजस्थान का इतिहास आएगा, कला आएगी, संस्कृति आएगी, साहित्य परंपराएं, विरासत में राजस्थान का भूगोल आएगा। ये कुल 40 नंबर का आएगा। उसके बाद राजस्थान की अर्थव्यवस्था, ये 20 नंबर की आएगी, और राजस्थान की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में दैनिक विज्ञान, ये भी 20 नंबर की आएगी। तार्किक एवं आधारभूत संख्यात्मक अभियोगिता, ये कितने, 20 नंबर की। यानी ये चार भाग में पेपर बटा होगा और जिसके नंबर 40 20 20 20, इस प्रकार 100 नंबर का कुल पेपर हो गया हो। और आपके पास टाइम कितना होगा, 2 घंटे का टाइम होगा। प्रश्न पत्र जो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा और प्रत्येक प्रश्न के प्रकार के होंगे, वह सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे। यानी कुल 100 क्वेश्चन आएंगे 100 क्वेश्चनों में, और 100 नंबर के क्या होंगे आपके, 100 नंबर का पेपर होगा और 100 क्वेश्चन आएंगे, यानी 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा। और परीक्षा पास करने के लिए आपको कम से कम 40% अंक लाने जरूरी है, नहीं तो आपकी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं मानी जाएगी। अब देखिए इसका पाठ्यक्रम देखते हैं। पाठ्यक्रम में राजस्थान का जो इतिहास दिया है, कला संस्कृति साहित्य परंपराएं विरासत में राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत क्या हैं, राजस्थान की प्रागैतिहासिक सभ्यताएं, राजस्थान के प्रमुख राजवंश, मुगल राजपूत संबंध, स्थापत्य कला की विशेषताएं, महत्वपूर्ण किले, स्मारक रचनाएं, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, लोक देवी देवताएं, राजस्थान की चित्रकलाएं, शैलियां, हस्तशिल्प, राजस्थानी भाषाएं, साहित्य की प्रमुख कृतियां, क्षेत्रीय बोलियां, मेले, त्यौहार, लोक संगीत, लोक नृत्य, वाद्य यंत्र, आभूषण, राजस्थान की संस्कृति परंपरा एवं विरासत। 12 नंबर महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, राजस्थान की सियासतें एवं ब्रिटिश संधियां, 1857 का जन आंदोलन, कृषक एवं जनजाति आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान का राजनीतिक जन जागरण एवं विकास, महिलाओं के विशेष संदर्भ में। ये तो हो गए इसकी राजस्थान के इतिहास या आर्टिकल कल्चर से संबंधित टॉपिक्स। इसके बाद राजस्थान का जो भूगोल है, राजस्थान की स्थिति, राजस्थान का भौतिक विभाग, अपवाद अंतर, जलवायु, मृदा, ये हो गए इसके भूगोल के टॉपिक्स। अब आगे बात करते हैं, ये भूगोल के और टॉपिक हैं, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव संरक्षण, पर्यावरण, पारिस्थितिकीय मुद्दे, मरुस्थलीकरण, कृषि, जलवायु, प्रदेश एवं प्रमुख फसलें, पशुधन, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, सिंचाई परियोजनाएं, जल संरक्षण, परिवहन, खनिज संपदाएं। यानी राजस्थान के भूगोल में भी कितने टॉपिक आएंगे, 16 टॉपिक आएंगे। अब राजस्थान की अर्थव्यवस्था की बात करें तो राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था से संबंधित है, भारतीय अर्थव्यवस्था, राजस्थान की स्थिति, प्रति व्यक्ति आय, राज्य की घरेलू आय, बचत, विनियोग आदि, राजस्थान में कृषि, किस प्रकार की कृषि होती है, जोतों का आकार क्या है, कृषि का योगदान क्या है, कृषि का वित्त कितना है, ये सब आएंगे। राजस्थान में उद्योग, लघु उद्योग, कुटु उद्योग, उसकी आकार या उसकी समस्याएं, इस प्रकार की उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। राजस्थान में सेवा क्षेत्र, राजस्थान में सेवा क्षेत्र की स्थिति क्या है, समृद्धि में विकास की आयोजना, आधारभूत संरचना संसाधन, विकास परियोजनाएं, राजस्थान में गरीबी एवं बेरोजगारी, राजस्थान में सार्वजनिक निजी साझेदारी, राजस्थान में ऊर्जा के विभिन्न स्रोत, राजस्थान का बजट, ये सारे राजस्थान की अर्थव्यवस्था से संबंधित टॉपिक आए। फिर राजस्थान की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था के में बात करें तो राजस्थान के मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा, राज्य उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन, राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सूचना आयोग, राज्य महिला आयोग, लोक नीति, विविध अधिकार एवं नागरिक अधिकार पत्र, राजस्थान में स्थानीय शासन, ग्रामीण एवं नगरीय विकास, मुख्य विशेषताएं, संरचना, शक्तियां, समस्याएं, ये संवैधानिक जो विधेयक, ये 73 और 74। उसके बाद जो मेजर लैंडमार्क हैं, यानी महत्वपूर्ण पद चिन्ह क्या हैं, समसामयिक घटनाएं यानी करंट से संबंधित। इसके बाद बात करते हैं हम दैनिक विज्ञान की। दैनिक विज्ञान में तत्व, यौगिक एवं मिश्रण, भौतिक, रासायनिक, परिवर्तन, ऑक्सीकरण, अपचयन, अभिक्रियाएं, धातु, अधातु, इनके प्रमुख यौगिक, सामान्य जीवन में प्रयुक्त कुछ महत्वपूर्ण यौगिक। उसके बाद फिजिक्स से संबंधित टॉपिक, प्रकाश का परावर्तन, लेंस के प्रकार, उनका दृष्टि दोष, उनका निवारण, विद्युत धारा के प्रभाव, ओम का नियम, विद्युत सेल, ये सारे मानव मस्तिष्क हारमोन्स, ये जंतुओं, पादपों का आर्थिक महत्व, बायोमास, ऊर्जा के विभिन्न स्रोत, मानव रोग, अनुवांशिक से संबंधित यानी एनिमल फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी से संबंधित,
उसके बाद मनुष्य में जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, हार्मोन्स हैं वो आएंगे, विटामिन विटामिन कौन से विटामिन के प्रकार, रक्त का संगठन, जैव प्रौद्योगिकी इत्यादि से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। और जो राजस्थान सॉरी जनरल साइंस से जो टॉपिक है उनके वीडियो अपलोड करना शुरू कर दिए, अब तक 4 वीडियो उसके अपलोड किए जा चुके हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि विज्ञान और मैनेजमेंट या फिर इससे जुड़ी कोई भी जो नई सूचना है वो सबसे पहले आपको मिल सके। उसके बाद जो तार्किक हैं, तार्किक अभियोगिता से उससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे, तार्किक दक्षता के बारे में पूछा जाएगा, विश्लेषणात्मक तर्क क्षमता होगी, मानसिक योग्यता, आधारभूत संख्यात्मक दक्षता, जो भी ये गणित के जो टॉपिक हैं ये आएंगे। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगी, वहाँ से इसका फुल सिलेबस आप डाउनलोड कर लेना और अपने हिसाब से आराम से देख लेना। अगर पूरा का पूरा सिलेबस वीडियो में बताने लगे तो वीडियो 1 से 1.5 घंटे का बनेगा, जो कि बोरिंग करने वाला बन जाता है। फिर अब बात करते हैं हाथकरघा, जो हाथकरघा के साथ में जो वैकेंसी निकली थी उसके निरीक्षक के पदों पर जो भर्ती होगी वो भी 100 नंबर का क्या होगा, पेपर होगा, 2 घंटे का समय होगा, उसके 2 भाग होंगे। एक भाग में तो क्या होगा, जो सामान्य जीके मतलब सामान्य जीके बोल सकते हैं, राजस्थान का इतिहास, कल्चर, संस्कृति वो सभी पूछे जाएंगे। और भाग बैग में हथकरघा तकनीक एवं विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो ए भाग होगा 40 नंबर का और बह भाग होगा 60 नंबर का, वही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। और जो परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्ण कितना रहेगा, 40%। इसका जो पाठ्यक्रम है ये पाठ्यक्रम सेम ही है दोनों का, ये पाठ्यक्रम दिया गया, ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं राजस्थान के इतिहास की, राजस्थान का भूगोल, ये राजस्थान का भूगोल ऊपर चर्चा कर चुके हैं हम। ये इसका जो दूसरे वैभाग का जो जो सिलेबस है वो अलग है, उसके लिए ये डेफिनेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्सटाइल फाइबर्स, यानी जो मिलों में जो धागे आते हैं, कपड़े बनते हैं, उनका जो वर्गीकरण है वो है। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ टेक्सटाइल फाइबर्स, यानी जो भी टेक्सटाइल फाइबर्स हैं, धागे हैं या रेशे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड यूज़ ऑफ कॉटन, वूल एंड सिल्क, स्पाइनिंग टेक्नोलॉजी यानी कताई की जो टेक्नोलॉजी उसके बारे में, कार्बड एंड कॉम्ब्ड कॉटन यार्म जो भी है, मैन्युफैक्चरिंग वूलन एंड वोस्टर्न यार्म यानी किस प्रकार हम जो सूती कपड़े बनाते हैं उनका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, सिल्क रीरिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फिलामेंट्स एंड स्पोन सिल्क यार्म, किस प्रकार सिल्क के जो कपड़े हैं उनका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उन किस प्रकार उनको धागे का निर्माण करते हैं, रीलिंग बंडलिंग एंड बेलिंग ऑफ यार्म, यानी किस प्रकार उसका उसकी रील बनाई जाती है, उसको बंडल बनाए जाते हैं, किस प्रकार उसको पैक किया जाता है। उसके बाद केमिकल प्रोसेसिंग ऑफ टेक्सटाइल्स, यानी किस प्रकार केमिकल जो टेक्सटाइल्स जो मिल हैं उसमें किस प्रकार रसायन उपयोग किया जाता है, वो सारी की इसके अंदर पूछी जाएंगे। जैसे डाइंग किस प्रकार उसको रंग प्रदान करते हैं, वो सब इसके बारे में पूछी जाएगी। उसके बाद बात करते हैं प्रिंटिंग की, यानी किस प्रकार जो कपड़े की जो प्रिंट होते हैं यानी उसको रंग प्रदान किया जाता है, उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं फिनिशिंग, यानी किस प्रकार उसको अंत में सुखाया जाता है, उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हैंडलूम वीविंग यानी जो हाथ से किस प्रकार कताई की जाती है, उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये कुल मिलाकर 11 टॉपिक इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद जो फैब्रिक स्ट्रक्चर्स है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या किस प्रकार कलर देते हैं, किस प्रकार क्लॉथ का एनालिसिस करते हैं, वो सब पूछे जाएंगे। उसके बाद टेक्सटाइल टेक्सिंग यानी किस प्रकार जो हम एक बार कपड़ा निर्माण के बाद किस प्रकार उसका जो टेस्ट करते हैं वो पूछा जाएगा। फिर लास्ट में है उसके मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप यानी किस प्रकार उसका मैनेजमेंट किया जाता है, रखरखाव की किया जाता है, किस प्रकार उसको बाज़ार में भेजा जाएगा, उसका मुनाफा क्या होगा, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद जो लवण निरीक्षण है उसका जो पेपर होगा वो भी 100 नंबर का पेपर होगा और 200 क्वेश्चन आएंगे, उसमें भाग पहला वही रहेगा यानी जो राजस्थान का जीके है वो आएगा। दूसरा जो उसका भाग है उसमें रसायन विज्ञान आएगी वो भी 60 नंबर की, और पहला जो जीके आएगा वो 40 नंबर का, और वही इसमें भी स्कीम रहेगी 40% अंक लाने जरूरी है, पाठ्यक्रम वो भी सेम रहेगा जीके का इसका, लेकिन दूसरा पेपर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, दूसरा पेपर है उसका वो चेंज हो जाएगा, उसमें जो यूनिट फर्स्ट दी गई है यानी दूसरा जो पेपर होगा वो रसायन विज्ञान का होगा, इसमें जो यूनिट दी गई है यानी फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन यानी जो परमाणु उसके मूलभूत कण हैं,
रदरफोर्ड का न्यूट्रल मॉडल, न्यूक्लियर मॉडल, क्वांटम संख्याएं, पॉल से पॉल जो पॉल है उसका नियम है, आहबाउ नियम है, टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल कक्ष के प्रकार है, हंट्स का रूल है, मॉडर्न पीरियोडिक आधुनिक आवर्त सारणी, वेरिएशन इन एटॉमिक प्रॉपर्टीज यानी परमाणु का आकार क्या होता है, उसका आयन आयन किस प्रकार बनते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किस प्रकार होगी, ये सारी पूछी जाएंगी। दूसरी यूनिट है उसमें एस ब्लॉक और पी ब्लॉक से जो तत्व संबंधित तत्व हैं उनके बारे में पूर्ण रूप से पूछा जाएगा। फिर तीसरी यूनिट है उसमें केमिकल इक्विलिब्रियम यानी केमिकल की जो फैक्टर क्या है उसको प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, केमिकल जो समीकरण बनती है रासायनिक समीकरण बनती है उसके नियम क्या हैं, उस संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद आयन चौथी यूनिट में आयन से संबंधित पूछा जाएगा, पीएच वैल्यू पूछी जाएगी, कॉमन आयन का इफेक्ट क्या पड़ता है वो पूछा जाएगा, बफर सॉल्यूशन क्या होता है, एसिड बेस टाइट्रेशन क्या होता है वो सारे पूछे जाएंगे। उसके बाद पांचवी यूनिट में गैसेस से संबंधित होगा यानी गैस की प्रॉपर्टी क्या होती है, बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, अवोगाद्रो का नियम, डाल्टन का नियम, ये सारे नियम पूछे जाएंगे यानी ये सारे गैस से संबंधित नियम है जो पूछे जाएंगे। आइडिया ऑफ गैस का किस प्रकार जो गैस का इक्वेशन किया जाता है उसके लिए आइडिया, ग्राम बेल्स का काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, ये सारे पूछे जाएंगे। फिर उसके बाद गैस स्टेज आ गया, अब लिक्विड यानी ठोस अवस्था से उसकी प्रॉपर्टीज़, ये सरफेस टेंशन, ये वेलोसिटी, ये सब पूछे जाएंगे। उसके बाद सॉलिड स्टेट यानी जो ठोस अवस्था है उसके बारे में, उसके गुणधर्म, जो भी उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, किस प्रकार वो बना होता है, उसके संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद आठवीं यूनिट है वो सॉल्यूशंस आएंगे यानी कौन कौन से सॉल्यूशन बनते हैं, उनकी सांद्रता क्या है, मोलरता क्या है, मोलिटी क्या है, मोल वेट क्या है, उसका परमाणु बाहर क्या है, वो सब पूछे जाएंगे। उसके बाद है नौ नंबर यूनिट आती है वो नोमेनक्लेचर एंड जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी किस प्रकार उनको IUPAC नाम देती है यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो रसायनों को नाम देने के लिए बनाई गई एक संस्था है वो उसमें नाम किस प्रकार देते हैं रसायनों को, इससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। उसके बाद यूनिट है 10 उसमें हाइड्रोकार्बन्स यानी हाइड्रोकार्बन्स में जो मुख्य रूप से एल्किन, एल्काइन और एल्काइन से आते हैं, एरिन आते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज पूछी जाएंगी, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज वो सब पूछी जाएंगी। उसके बाद जो आर्थिक अन्वेषक है, आर्थिक अन्वेषक के पदों के लिए जो वही पहला ए भाग है वो 40 नंबर का वो सेम रहेगा, दूसरा बै भाग है उसमें सांख्यिकी अर्थशास्त्र से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वही पेपर 100 नंबर का होगा और 2 घंटे का समय होगा, 40% इसमें अंक लाने जरूरी है। फर्स्ट पेपर में तो सिलेबस समान ही रहेगा लेकिन इसका जो दूसरा भाग है वो चेंज हो जाएगा, ये स्टेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स से संबंधित टॉपिक पूछे जाएंगे। तो इसकी वीडियो की जो लिंक है वो जो ये PDF इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं और आराम से अपना जो टॉपिक है वो देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में केवल इतना ही, मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।